मोहताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। माननीय सूचना प्रसारण राज्य मंत्री श्री अलमुर्गन जी, सचिव श्री अपूर चंद्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी ज्यूरी मेंबर्स, चेयरमैन, यहां पर उपस्थित सभी अवार्ड विनर्स, फिल्म जगत से जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवी और सज्जन और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। इनका आना और इनके हाथों से आपको नेशनल फिल्म अवार्ड मिलना एक बहुत गर्व की बात है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से माननीय राष्ट्रपति जी आई, छोटे से गांव से जहां से सड़क तक का रास्ता भी, शहर तक का रास्ते के लिए सड़क तक नहीं थी, फांसला लंबा दिखता था, लेकिन ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि वहां से चल के अपनी खूबियों, अपनी उपलब्धियों के बल पर आज राष्ट्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंची है कोई और नहीं, माननीय राष्ट्रपति जी। और देश की करोड़ों महिलाओं को वो प्रेरित भी करती हैं, और उन सबको भी एक ऐसा अवसर लगता है कि कोई भी इस देश में जिसमें क्षमता है कुछ कर दिखाने की, किसी भी स्तर तक पहुंच सकते हैं। मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति जी, आप सबकी और हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम सब के लिए बेहद गर्व का क्षण है, क्योंकि हम यहाँ उन विशिष्ट प्रतिभाओं के लिए और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर आज उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल रहा है, जिन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर पिछले कई वर्षों में धूम मचाई है, और आज तो उनको अवार्ड मिल रहा है जो कोविड के समय भी, जब देश और दुनिया के सामने संकट था, ये बहुत मुश्किल लगता था कौन बच पाएगा कौन नहीं बच पाएगा, बहुत सारे लोग तनाव और दबाव में जी रहे थे, उस समय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इन महान कलाकारों ने मनोरंजन भी किया, और आपको और देश के तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज दुनिया भर में देखिए इतने ज्यादा केसेस हैं उस समय से लेके अब तक, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेके लोग चिंतित हैं, और मैं देखता हूं उस समय भी हमारे सामने भी समस्या थी, कहां कैमरामैन जाएगा, कोविड प्रोटोकॉल कौन फॉलो करेगा, क्या होगा, लेकिन एक नहीं अनेक फिल्में ऐसी आई, एक दो का उल्लेख मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आजादी का 75वां महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 वर्ष आजादी के हुए थे, और उस समय सरदार उद्धम जैसी फिल्म का आना अपने आप में बताता है कि 75 वर्षों के बाद भी देश उन स्वतंत्रता सेनानियों को भूला नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी आज की और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए ऐसी फिल्में बनाती हैं। आज देश और दुनिया में भारत की नई धूम दिखती है, नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है, एक और G20 का सफल अध्यक्षता हो तो दूसरी ओर चंद्रयान मिशन की सफलता हो, ये नए भारत की बुलंद तस्वीर है। लेकिन चंद्रयान मिशन के पीछे जिन वैज्ञानिकों का हाथ है, उनमें से एक किरदार जिन्होंने बहुत वर्ष पहले न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए, क्या क्या सहकर फिर भी लगे रहे, माधवन जी यहां बैठे हैं, रॉकेटरी फिल्म जो बनाई गई वो ऐसे ही महानुभाव के बारे में, और मैं तो ये कहूंगा, ये हम जब कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए भी हमने शॉर्टलिस्ट फिल्म को किया था और वहां वर्ल्ड प्रीमियर करने गए,
एक मिनट के लिए ना कोई बोला ना उठा, लगातार उस फिल्म के समय बैठा रहा। तो किसी के जीवन से कौन कितना प्रभावित हो सकता है, कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो, उसमें देखने को मिला। मैं ज्यादा लंबा समय इस पे नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, अगर आपके कंटेंट अच्छा है तो आज कुछ भी रीजनल नहीं है। इट्स गो फ्रॉम रीजनल टू नेशनल टू इंटरनेशनल वेरी सून। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वेरी वोकल अबाउट द लोकल, वेदर इट इज द लोकल प्रोडक्ट्स और द लोकल फिल्म्स और द रीजनल कंटेंट, एंड वी हैव सीन द रीजनल फिल्म्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल एट द इंटरनेशनल लेवल, वेदर इट इज फ्रॉम साउथ और एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। There is nothing north, east, west or south. This is Indian film industry. भारत की फिल्मों ने गूंज दी है। हम इनको क्षेत्रों में ना बांट के चले, जब हम इनको क्षेत्रों में बांटते हैं तो शायद मुश्किल हो जाती है। और मैं अपना अनुभव कई बार बताता हूं, क्योंकि मेरे पास युवा कार्यक्रम और खेल विभाग भी है। तो सेंट्रल एशिया का एक बड़ा डेलीगेशन आया था, तो उसमें 80-100 युवा थे। जब उन्होंने अपनी ओर से कुछ कर दिखाने का अनुरोध किया तो मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ नृत्य करेंगे, कुछ गाएंगे, लेकिन उन पांचों देशों के युवाओं ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के गाने गाए और इंस्ट्रूमेंट भी उन्होंने ही बजाए। ये दिखाता है कि हमारा फिल्म जगत केवल देश की इन सीमाओं के अंदर नहीं, सीमाओं के बाहर भी उनकी बहुत बड़ी धूम है, उनके काम की पहचान है। ऐसे ही पहचान अपनी सुंदरता और अपने उत्कृष्ट अभिनय के लिए कई दशकों तक भारतीय सिनेमा, जिन्होंने बहुत शानदार अपना योगदान सिल्वर स्क्रीन पर दिया है, आज उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, गाइड, प्यासा से लेकर न जाने कितनी फिल्में उन्होंने बनाई। वहीदा जी, आपको पूरे देश की ओर से बहुत बहुत बधाई, दादा साहब फाल्के अवार्ड के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। और मैं कह सकता हूं ये फिल्में कहीं एक पीढ़ी तक सीमित नहीं होती हैं, ये कई पीढ़ियों तक प्रेरित करती हैं। ना आपको देख के कितनी महिलाएं इस फिल्म के क्षेत्र, फिल्म जगत के क्षेत्र में आई होंगी। और आज जब माननीय राष्ट्रपति महोदय यहां पर हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी महिलाओं को आज सम्मानित किया जा रहा है उनके काम के लिए, उनको मैं दिल की गहराइयों से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। आपने शानदार काम किया है और आगे भी आप प्रेरित करते रहेंगे। 30 भाषाओं में 438 से ज्यादा फिल्में आने पर और सूचीबद्ध भाषाओं में भी 13 भाषाओं की फिल्में शामिल थी, ये ज्यूरी के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। When I was the selector for the junior cricket teams with the BCCI way back, तो सबसे बड़ा मुश्किल होती थी, एक तरफ एक खिलाड़ी ने रन बड़े बनाए होते थे, दूसरी तरफ एक खिलाड़ी ने किसी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में बहुत अच्छा किया होता था, तो लगता था किसको चुने, बहुत ज्यादा रन करने वाले को या कठिन परिस्थितियों में एक बड़ी बड़ी टीम के खिलाफ रन बनाए वाले। तो वही मुश्किल कहीं ना कहीं फिल्म वालों के सामने होती है, किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस किया होता है लेकिन किसी फिल्म ने बहुत बड़ा एक ऐसी छाप, अमिट छाप छोड़ी होती है, शायद वो बॉक्स ऑफिस पे हिट हो ना हो लेकिन बहुत सारे लोगों के दिलों को जीतने का काम करती है। तो बहुत मुश्किल काम हमारी ज्यूरी ने भी किया है, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी 450 से ज्यादा फिल्मों की लगभग आपने देखी और उसको फाइनल किया। आज भाषण का समय नहीं है लेकिन इतना कहूंगा, फिल्म जगत की बहुत लंबे समय से मांग थी कि जितना हम कमाते नहीं उतने से ज्यादा पायरेसी में उड़ जाता है, और ये कई वर्षों तक आपकी मांग किसी ने पूरी नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हमने स्वयं पिछले पार्लियामेंट सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट को पास करवा दिया है। पायरेसी के खिलाफ एक बड़ी जंग हम सब लड़ रहे हैं और उसमें सरकार आपके साथ खड़ी है। मेरा अनुरोध फिल्म देखने वालों से भी रहेगा और फिल्म जगत के लोगों से भी, अगर आपको भी कहीं लगे कि कुछ अभी
ভারতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड As the cliche goes, huge round of applause for team Upena, ladies and gentlemen. सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म के लिए अगला पुरस्कार जिसके लिए चयनित फिल्म है कड़ईसी विवसाय फिल्म के लिए रजत कमल ग्रहण कर रहे हैं फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री एम मणिकंदन अ फार्मर लिविंग इन अ ड्राउट रिडन विलेज वेयर एवरीबडी हैज गिवन अप ऑन फार्मिंग बट हु कंटिन्यूज टू बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड दिस फिल्म बैग्स अनदर नेशनल अवार्ड सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म के लिए फिल्म प्रतीक्षा को रजत कमल का सम्मान और पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पधार रहे हैं श्री अनुपम पटनायक पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अनुपम पटनायक फॉर अ स्टोरी ऑफ अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज ड्रीम्स डेस्पिरेशंस एंड एस्पिरेशंस प्रतीक्षा गेट दिस श्री अनुपम पटनायक ऑन द स्टेज टेकिंग द अवार्ड पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म एकोएगी युम को दिया जा रहा है इस फिल्म को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है और फिल्म के निर्माता मिस चिंग सुबाम ग्रहण कर रही हैं पुरस्कार चिंग सुबाम शीतल टेक्स एन अवार्ड फॉर अ स्टोरी ऑफ अ बॉय फ्रॉम एन आइसोलेटेड फिशिंग कम्युनिटी हु स्ट्रगल्स हार्ड फॉर एजुकेशन और इसी मणिपुरी फिल्म के लिए फिल्म के निर्देशक श्री मयंगलांबम रोमी मैती को भी रजत कमल का सम्मान मणिपुरी फिल्म एको इगी युम द फिल्म विद द सेंट्रल थीम ऑफ एजुकेशन और अब सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म इसके लिए चयनित फिल्म है होम और फिल्म को दिया जा रहा है रजत कमल फिल्म के निर्माता फ्राइडे फिल्म हाउस प्राइवेट लिमिटेड पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री विजय बाबू गेट्स अस अ स्टोरी विच इज अबाउट अ मिडिल एज मैन ट्राइंग टू हार्ड टू एस्टैब्लिश आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट द स्टोरी लाइन अ मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन फादर एंड सन एंड दैट थ्रू विद अ स्मार्टफोन और इस फिल्म के निर्देशक श्री रॉजन थॉमस को भी रजत कमल देकर सम्मानित किया जा रहा है जोरदार तालियों से स्वागत करें होम टेकिंग मल्टीपल अवार्ड द टेकिंग होम मल्टीपल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ मराठी फिल्म के लिए फिल्म एकदा कायजाला को रजत कमल का सम्मान फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री सलील श्रीनिवास कुलकर्णी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं Ekta Kaizala is a story of a storyteller who believes in the philosophy that you can tell any story, but that has to be from the heart. और सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म के लिए फिल्म समानांतर द पैरेलल को रजत कमल का पुरस्कार और पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर फिल्म के निर्माता और निर्देशक श्री नीरज कुमार मिश्रा Samanandar is a philosophical and supernatural anthology of stories which deal around the subjects of life and karma. Neeraj Kumar Mishra takes the award for this. सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म चाली को रजत कमल से सम्मानित किया जा रहा है फिल्म के निर्माता परमवास स्टूडियो पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री रक्षित शेट्टी चाली इज अ फिल्म ऑफ अ मैन स्टक इन अ नेगेटिव एंड लोनली लाइफ स्टाइल हु फाइंड्स मीनिंग इन लाइफ व्हेन अ पप comes into his life. और इसी सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म चाली के निर्देशक श्री किरण राज के आपको भी रजत कमल का सम्मान हमारे जीवन से जुड़ा एक विशेष पहलू जिसे इस फिल्म चाली में प्रदर्शित किया गया है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म का पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं फिल्म लास्ट फिल्म शो चेलो शो आपको रजत कमल फिल्म के निर्माता जुगाड़ मोशन पिक्चर और पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री धीर मोमाया
Bir Momaya gets this award for getting us a story of a young man in a remote village who is very passionate about films and but determined to make his own projector. और इस सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म के निर्देशक हैं श्री पैन नलिन और आपको भी रजत कमल का सम्मान और ये है सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म लास्ट फिल्म शो छेलो शो. और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के पुरस्कार के लिए चुनी गई है फिल्म सरदार उधम. Ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Mr. Doyle! और सरदार उधम के निर्माता राइजिंग सन्स फिल्म्स एंड किनो वर्क्स एलएलसी पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं श्री शील कुमार. Sardar Udham, a biographical film chronicling the inspiring life of Sardar Udham Singh, a freedom fighter. ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল. सड़का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं. आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं. कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड. रजत कमल, बेहतरीन दिग्गज प्रतिष्ठित संगीत निर्देशक श्री एमएम कीरवानी राष्ट्र फिल्म पुरस्कार प्राप्त करते हुए. बेस्ट स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखन का पुरस्कार फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम. ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है मिस उत्कर्षणी विशिष्ट, आपको रजत कमल का सम्मान. एंड नाउ वी रिक्वेस्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एज वेल एज अदर डिग्नेटरीज ऑन द डायस, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, एमओएस एमआईबी श्री मुर्गन जी एंड सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग टू प्लीज टेक सीट. और अब हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं दो शॉर्ट फिल्म, जिनमें से पहली फिल्म है जो इफी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसी के सफर को हमारे सामने प्रस्तुत करती है. These are going to be two short films. Please sit back and enjoy. Over 7 decades of love and hope. Promoting socio-cultural exchange via the silver screen. Disseminating ideas using the power of cinema. Putting Indian films on a global pedestal. Bringing home the best of world cinema. আৰু এয়া আছিল 69 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ. পৰৱৰ্তী খবৰ, দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিভাসমূহত অন্তিম পৰশ দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া মৃৎশিল্পীসকল. গহপুৰৰ 20ৰো অধিক মৃৎশিল্পালয়ত দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাক অন্তিম পৰশ দি আ অলংকাৰেৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে. পূৰ্বতকৈ এইবেলি আ অলংকাৰৰ লগতে সাজ সজ্জাত কিছু খৰচ বৃদ্ধি পাইছে বাবে এইবেলি মূল্যও কিছু বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰতিমাৰ খনিকৰসকলে. মুঠৰ ওপৰত দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ এতিয়া প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে. গহপুৰৰ পৰা অধিক জনাব সাংবাদিক পলাশ ফুকনে. যিহেতু দুৰ্গোৎসৱ নিচেই কাষত আৰু তাৰ লগে লগে অন্তিম প্ৰাণ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল. যিহেতু দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে সজাই পৰাই তুলিছে, সতীৰ্থই দেখাব. মই গহপুৰৰ মা কালী শিল্পালয়ত উপস্থিত আছোঁ. ইতিমধ্যে প্ৰায় 90% কাম সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে আৰু কোনো কোনো দেৱী প্ৰতিমা অৱশ্যে 100% কামো সম্পূৰ্ণ হৈ পৰিছে. সুন্দৰ আ অলংকাৰ বেশভূষাৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে এই দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ. আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু
দেখিছো কামখিনি প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠিছে আপনার এটা মানে টাইম বহুত কম আছে তো এটা আজি লোলে আছে মানুষের এবার সুন্দর কি নতুনত্ব করা হয়েছে দেবী প্রতিমা এবার এভাগ প্রতিমা আমার আছে রাজগড়লে যাব এভাগ একদম কলকাতা স্টাইলত হব মানে কলকাতা স্টাইলের সাজসজ্জা আছে আর এবার মূল্য সমূহ কেনদরে 1000 মান টাকার পর আছে না হরুর পর দুর্গা মূর্তি 1000 মান থাকে তার উপরে থাকে মানে এই হিসাবত আর অলংকার লয় পেলে দাম দর হয় অলংকার কাপড় কানি এটা এভাগ যে নিব আইছে কোন ঠাই লৈ যাব এভাগ যাব আমার রাজগড় রাজগড় হয় মই পুনৰ সদিতক দেখাবলে অনুরোধ কৰিছো সুন্দরকে তেওঁলোকে আ অলংকারে সুন্দরভাৱে দেৱী দুৰ্গাক আচলতে সজাই পৰাই তুলিছে আৰু এই দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাসমূহ ইতিমধ্যে নিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে আমাক জানিব দিছে আৰু তাৰ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু গহপুৰৰ প্ৰতিখন শিল্পালয়ত এইকেইদিন খুব ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল কিয়নো এনেদৰে সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলি সেই দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহক আচলতে পূজা কমিটিসমূহে লৈ যাব আৰু ইতিমধ্যে এই মা কালী শিল্পালয়ৰ পৰা কেইবাটাও দল আহিছে তেওঁলোকে পূজা কমিটিসমূহ আহিছে যে এই দেৱী দুৰ্গা প্ৰতিমাসমূহ তেওঁলোকে নিবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে যি স্থানত পূজা উদযাপন কৰিব তাত দেৱী প্ৰতিমাক সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিব লাগিব সেইবাবে কিছুদিন আগতীয়াকৈ কিছুসংখ্যকে লৈ গৈছে আৰু এনেদৰে এতিয়া দুৰ্গোৎসৱৰ এক উখল মাখল পৰিৱেশ সকলোতে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল Okay.